गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी एंड डीआरटी स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट पे। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना था, एक तो हीम प्लस में ग्लोबिन। तो हीम के अंदर कौन सी चीजें होती हैं और ग्लोबिन के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, उसी के ऊपर क्या है आपका लेक्चर है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या था हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन और उसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो पीछे के लेक्चर में क्या था, हीमोग्लोबिन है क्या? तो ए रेड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स। मतलब क्या है कि एक लाल कलर की प्रोटीन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किनमें? वर्टिब्रेट्स में, यानी कशेरुकियों में। नेक्स्ट, इट्स मॉलिक्यूल कंप्राइज फोर सब यूनिट ईच कंटेनिंग एन आयरन एटम बाउंड टू ए हीम ग्रुप। मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन के अंदर चार सब यूनिट होती हैं, जैसे दो अल्फा और दो बीटा, और चारों ईच सब यूनिट कंटेनिंग टू आयरन एटम बाउंड टू ए हीम ग्रुप। और चारों के अंदर क्या है, चारों जो सब यूनिट है उनके ऊपर एक तो आयरन का एटम या हीम ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस इन द डेवलपिंग आरबीसी इन बोन मैरो एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक बड़ी और जटिल और कॉन्जुगेटेड यानी काफी चीजें मिलकर बनी हुई प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज यानी बनती किसमें, इन द डेवलपिंग आरबीसी, यानी जिस आरबीसी का डेवलपमेंट अभी चल रहा है उस आरबीसी के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है इन बोन मैरो एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। और कितने पार्ट मिलकर बना है हीमोग्लोबिन, दो पार्ट से। सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रोटीन पोर्शन या प्रोटीन पार्ट, जो कितने परसेंट है, 95%। ग्लोबुलिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड इट्स कलरलेस, यानी हीम के अंदर जो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन पार्ट कौन सा है, ग्लोबुलिन, और ये कैसा है, कलरलेस है। दूसरा क्या है, हीम पार्ट जो कितने परसेंट है, 5%। आयरन कंटेनिंग पार्ट यानी चार आयरन कंटेनिंग पार्ट, जिसके अंदर क्या है, आयरन और पोरफायरिन है, चार मॉलिक्यूल आयरन के और पोरफायरिन है। नेक्स्ट, इट फॉर्म 95% ऑफ ट्राइबेट ऑफ एनआरबीसी, यानी क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन को देखें, अगर एक ट्राइबेट देखे आरबीसी का, तो उसके अंदर कितने परसेंट पोर्शन फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन, 95%। मॉलिक्यूल वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 6445 ग्राम पर एमएल या मोल। नेक्स्ट क्या था, हीमोग्लोबिन इज द ग्लोबुलर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फोर सब यूनिट। हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है यानी गोलाकार मॉलिक्यूल है, जो किससे बना है, चार सब यूनिट से। नेक्स्ट, ईच सब यूनिट कंटेन ए हीम मोइटी, और प्रत्येक हीमोग्लोबिन की यूनिट जो है यानी चार यूनिट से बना है, और प्रत्येक एक यूनिट क्या रखती है, एक हीम मोइटी रखती है या हीम मोइटी के साथ कॉन्जुगेटेड है, जुड़ी हुई है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। फोर पॉलीपेप्टाइड फॉर्म द ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ हीम मॉलिक्यूल, और चार पॉलीपेप्टाइड क्या है, जो ग्लोबुलिन पोर्शन ऑफ प्रोटीन उसको फॉर्म करते हैं हीमोग्लोबिन का। देयर आर टू पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी प्रत्येक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में दो क्या पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं, दो जोड़ी पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है, जैसे अल्फा और बीटा, यानी दो अल्फा होते हैं हीमोग्लोबिन ए में और दो बीटा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हीमोग्लोबिन के टाइप, हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन टाइप इंक्लूड, यानी नॉर्मली कौन से हैं। सबसे पहले है हीमोग्लोबिन ए यानी एच बी ए,
जो क्या है मेक्स अप अबाउट 96% ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन अडल्ट, यानी अडल्ट के अंदर ही कितने परसेंट पाया जाता है 96%। इट कंटेन्स टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन, टू प्रोटीन चेन, यानी ये क्या है एसबीए के अंदर क्या होती है दो तो अल्फा चेन होती है ग्लोबुलिन पोर्शन के अंदर और दो बीटा चेन होती है। नेक्स्ट क्या है हीमोग्लोबिन A2 मेक्स अप अबाउट 2 to 3% ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन अडल्ट, ये क्या है अडल्ट के अंदर पाया जाता है कितने परसेंट 2 से 3%। इट हैज टू अल्फा एंड टू डेल्टा प्रोटीन चेन, इसके अंदर क्या होता है दो तो अल्फा चेन होती है और दो क्या होती है डेल्टा प्रोटीन चेन। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन F यानी फीटल हीमोग्लोबिन मेक्स अप अबाउट 2% ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन ह्यूमन फीटस, यानी ह्यूमन फीटस के अंदर भी ज्यादा होता है लगभग, लेकिन अडल्ट के अंदर कितने परसेंट है 2%। इट हैज 2 अल्फा एंड 2 गामा प्रोटीन चेन, और इसके अंदर क्या होता है कि दो तो अल्फा चेन होती है और दो क्या होती है गामा प्रोटीन चेन। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू यानी नॉर्मल रेंज क्या क्या है उसकी हीमोग्लोबिन की, अगर मेल्स के अंदर देखें 14 to 16 ग्राम पर ml या 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड देख सकते हो आप या डीएल डेसीलीटर देख सकते हो। फीमेल के अंदर 12 to 14 ग्राम पर ml और इन्फेंट यानी बच्चे के अंदर कितनी होती है 20 ग्राम से ज्यादा होती है up to 20 ग्राम पर ml या up to 20 ग्राम पर 100 ml। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, यानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी ऑक्सीजन वो कैर कर सकता है रख सकता है सांस में। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है 1.3 ml ऑक्सीजन को, 3-4 ml ऑक्सीजन को। नेक्स्ट 100 ml ब्लड के अंदर कितना ब्लड होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है 15 × 1.34 ml। अगर आप 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.34 से, यानी आपको पता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन लेके जाता है 1.34 ml, और अगर 15 ग्राम कितने लेके जाएगा तो उनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ गई लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन। HbF ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज एक्सेसिव देन HbA, यानी फीटल हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होने की कैपेसिटी है वो क्या है HbA के कंपैरिजन में ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है उसकी स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें दो तो अल्फा चैन है और दो ही बीटा चैन है, और चारों चैनों के साथ एक आयरन का मॉलिक्यूल क्या है बाइंड अप है, और स्ट्रक्चर देख सकते हो आप जो ग्लोबुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखिए तो ऑक्सीजन आपने क्या है इनसिनरेट कर लिया यानी लंग्स के अंदर ले ली, फिर क्या होगा वो ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा आयरन के मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड अप होके कंप्लीट बॉडी में सर्वाइव या आगे स्प्रेड कर दी जाएगी। और नेक्स्ट हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में वही अल्फा, दो अल्फा चैन है, दो बीटा चैन है, एक आयरन का मॉलिक्यूल है और हीम है, हीम यानी पोरफायरिन, और इधर क्या है दूसरी स्ट्रक्चर जिसमें क्या है एक आयरन का मॉलिक्यूल दिखाया गया है पायरोन रिंग दिखाई गई है। आज का लेक्चर किससे है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हीम, यानी हीमोग्लोबिन आपने देखा था दो पोर्शन में डिवाइड होता है एक हीम प्लस में ग्लोबुलिन, सबसे पहले किस पे डिस्कस करते हैं हीम पे। ग्लोबुलिन के अंदर तो आपने देखा था कि अलग अलग प्रोटीन की चेनें होती हैं अल्फा और बीटा, वो कितने दो जोड़ी के अंदर प्रेजेंट होती है टू पेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या है हीम इज मेटेलो पोरफायरिन, यानी हीमोग्लोबिन क्या है पोरफायरिन है, या और मेटेलो पोरफायरिन का मतलब क्या है कि कलर प्रोवाइड करने वाला कंपोनेंट है, यानी हीम से ही क्या हीम पोर्शन से ही ब्लड के अंदर रेड कलर आता है। नेक्स्ट क्या है पोरफायरिन, पोरफायरिन आर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म बाय द लिंकेज ऑफ फोर पायरोल रिंग थ्रो मेथाइलिन ब्रिज, यानी पोरफायरिन क्या है जिसमें
है, चार क्या है, पायरोल रिंग है। चार पायरोल रिंग से क्या बनता है, पोरफायरिन बनता है। उनके बीच में लिंकेज किसके द्वारा है, मिथाइलिन ब्रिज के द्वारा, यानी मिथाइलिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उन चारों पायरोल को अटैच करने का काम करती है। यानी चार पायरोल और मिथाइलिन ब्रिज या मिथाइलिन लिंकेज मिलके क्या फॉर्म करते हैं, पोरफायरिन। स्पेशल फीचर्स ऑफ पोरफायरिन, यानी इसके अंदर स्पेशल क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, पोरफायरिनोजन आर कलरलेस कंपाउंड, वेयर इज पोरफायरिन आर कलरफुल कंपाउंड। यानी पोरफायरिनोजन जो है वो क्या है, एक कलरलेस कंपाउंड है, जबकि पोरफायरिन क्या है, एक कलरफुल कंपाउंड है, यानी कलर प्रोवाइड करवाता है, रेड कलर। शुरू से देखिए, हिमोग्लोबिन इज मेटेलो पोरफायरिन। हिमोग्लोबिन क्या है, एक पोरफायरिन और मेटेलो पोरफायरिन, यानी कलर प्रोवाइड करवाने वाली स्ट्रक्चर है, पोरफायरिन है। फिर पोरफायरिन क्या है, पोरफायरिन आर साइक्लिक कंपाउंड, यानी पोरफायरिन क्या है, एक चक्रीय कंपाउंड है, फॉर्म बाय द लिंकेज ऑफ फोर पायरोल रिंग, यानी जो चार पायरोल रिंग के लिंकेज से बना है, और वो लिंकेज किससे बना है, थ्रू मिथाइलिन ब्रिज से। यानी चारों पायरोल रिंग को अटैच करने का काम कौन करता है, मिथाइलिन ब्रिज करता है। स्पेशल फीचर ऑफ पोरफायरिन, तो सबसे पहले क्या है, पोरफायरिनोजन आर कलरलेस कंपाउंड, वेयर इज पोरफायरिन आर कलरफुल कंपाउंड। यानी पोरफायरिनोजन तो एक क्या है, कलरलेस कंपाउंड है, जिसमें कलर प्रोड्यूस नहीं होता है, और जबकि पोरफायरिन क्या है, कलरफुल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द पायरोल रिंग एंड लिंकिंग मिथाइलिन ब्रिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा। क्या है, द कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द पायरोल रिंग, यानी पायरोल रिंग की स्ट्रक्चर में क्या है, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एंड लिंकिंग मिथाइलिन ब्रिज, और उसमें क्या है, दो पायरोल स्ट्रक्चर को एक साथ अटैच करने वाला जो मिथाइलिन ब्रिज है, वो दोनों चीजें क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो क्या है, जिम्मेवार है किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा, यानी उसके करेक्टर के लिए, यानी वो कलर प्रोवाइड करवाता है उस करेक्टर के लिए। और क्या है, फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो आपको कलर दे सके, यानी रेड कलर दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के लिए, उसके लिए। नेक्स्ट, वेहन पोरफायरिन डिजोल्व इन स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट इमिट ए स्ट्रॉन्ग रेड फ्लोरेसेंस। मतलब क्या है कि जब पोरफायरिन को आप स्ट्रॉन्ग मिनरल या एसिड के अंदर डिजोल्व कर लोगे, और क्या करोगे, उसके अंदर से क्या इल्यूमिनेट करोगे, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, क्या इमिट करेगा, इमिट मतलब बाहर निकालेगा, ए स्ट्रॉन्ग रेड फ्लोरेसेंस, यानी एक रेड कलर निकालेगा बाहर की तरफ। तो शुरू से देखिए, द कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द पायरोल रिंग एंड लिंकिंग मिथाइलिन ब्रिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा। यानी हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीजें हैं, एक तो पायरोल रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, और दूसरा क्या है कि दो पायरोल रिंग को अटैच करने वाला जो मिथाइलिन ब्रिज है, ये दोनों चीजें क्या है, उसके रेड कलर के लिए, फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, वेयर पोरफायरिन डिजॉल्व इन स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट इमिट ए स्ट्रॉन्ग रेड फ्लोरेसेंस। यानी जब क्या है, पोरफायरिन को आप किसमें डिजोल्व कर दोगे, या तो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और उसके अंदर से क्या ट्रांसपोर्ट करोगे, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो क्या इमिट करेगा, यानी बाहर निकालेगा स्ट्रॉन्ग रेड फ्लोरेसेंस, यानी एक लाल कलर बाहर निकालेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पोरफायरिन, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इट विद मेटेलियंस बॉन्ड टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ द पायरोल रिंग। यानी उसके अंदर एक खास फैसिलिटीज क्या है पोरफायरिन की, कि उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो क्या है, किसी एटम के साथ बॉन्डिंग करने का फीचर रखता है। आपको पता है कि इसके अंदर आयरन एक मेटल है, और उसके साथ क्या है, नाइट्रोजन जो है बॉन्डिंग क्रिएट करता है पायरोल रिंग में। नेक्स्ट, आयरन और उसका स्पेशल फीचर्स क्या है, अगर उसकी जगह, यानी मेटल्स कौन सी लोगे,
आयरन प्लस में पोरफाइरिन, यानी आयरन और पोरफाइरिन अगर साथ में आते हैं तो वो क्या बन जाता है, हीम या हीमोग्लोबिन, यानी हीम पोर्शन बनता है हीमोग्लोबिन का। अगर आयरन की जगह क्या आ जाता है, मैग्नीशियम प्लस में पोरफाइरिन, तो क्या बन जाता है, क्लोरोफिल बन जाता है, जो किसमें पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट कॉपर प्लस में पोरफाइरिन, अगर कॉपर आ जाता है आयरन की जगह तो क्या बन जाता है, हीमोसैनिन। तो शुरू से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज विद मेटेलियन बॉन्ड टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ द पायरोलिन, यानी सबसे बड़ा स्पेशल फीचर क्या है कि पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके उसका स्पेशल फीचर क्या है, वो एक मेटल के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है पायरोलिन में। नेक्स्ट अगर वहां पे बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, वो कौन से कंपाउंड के साथ क्रिएट करेगा, तो क्या क्या बनेगा, तो अगर आयरन के साथ पोरफाइरिन बॉन्ड क्रिएट करता है तो क्या बनता है, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीम पोर्शन बनता है हीमोग्लोबिन का। मैग्नीशियम प्लस में पोरफाइरिन, यानी मैग्नीशियम के साथ अगर पोरफाइरिन का जो नाइट्रोजन है वो बॉन्डिंग क्रिएट करता है तो क्या बनता है, क्लोरोफिल। और कॉपर प्लस में पोरफाइरिन, यानी कॉपर के साथ अगर पोरफाइरिन बॉन्डिंग क्रिएट करता है तो क्या बनता है, हीमोसैनिन। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोलिन, यानी पायरोलिन में क्या क्या है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो एक तो आप देखिए उसमें एक तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है और चार क्या है, हाइड्रोजन है, बीच में दो डबल बॉन्ड है, और जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके कलर के लिए, रेड कलर के लिए, और साइड में क्या है, मिथाइलिन, जो दो पायरोल को एक साथ अटैच करने का काम करती है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पोरफाइरिन, अगर आप सीधी साइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखो तो उसमें जब क्या प्रोटीन स्ट्रेंथ ऐड नहीं हुई तब क्या होती है, उसमें चार तो पायरोल रिंग होती है और क्या होता है, मिथाइलिन ब्रिज होता है बीच में, और बीच में क्या होता है, आयरन का मॉलिक्यूल, और फिर क्या बन जाता है, हीम। अगर इसके साथ साइड वाली स्ट्रक्चर देखो तो जिसमें क्या है, प्रोटीन सेट है, वो पूरा क्या है, एक हीमोग्लोबिन कंपोनेंट है, साइड में लिखा हुआ, एक साइड में क्या है, हीम। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, एक तो हीम पोर्शन है जिसमें क्या आया हुआ है, पायरोल रिंग के अंदर क्या है, आयरन का मॉलिक्यूल है, यानी पोरफाइरिन के अंदर किसका मॉलिक्यूल है, आयरन का। द पिगमेंट्स ऑफ लाइफ में पहला पिगमेंट क्या है, हीम जोडल्स के लिए है। दूसरे के अंदर आप देखिए जिसके अंदर नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, मैग्नीशियम अटैच है, अगर मैग्नीशियम आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्या है, पोरफाइरिन, द पोरफाइरिन फाउंड इन ए नेचर आर कंपाउंड इन विथ वेरियस साइड चेन आर सब सिचुएटेड, यानी पोरफाइरिन क्या है, एक तो साइक्लिक कंपाउंड है और जिसके अंदर काफी साइड चेन्स क्या है, उसके अंदर सब सिचुएटेड रहती है और अलग अलग, तो वो साइड चेन्स कौन सी है, एक तो मिथाइल यानी एम, प्रोप्योनेट यानी पी, विनाइल यानी वी, और एसीटेट क्या है, ए। द पोरफाइरिन फाउंड इन ए नेचर, यानी पोरफाइरिन क्या है, नेचर के अंदर ऐसा कंपाउंड है इन विच वेरियस साइड चेन, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग साइड चेन आर सब सिचुएटेड, उसमें सिचुएटेड है, सबसे पहले है मिथाइल, प्रोप्योनेट, विनाइल, एसीटेट। नेक्स्ट क्या है, दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पोरफाइरिन, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर मोस्टली तीन इंपॉर्टेंट पोरफाइरिन प्रेजेंट रहती है, एक तो यूरो पोरफाइरिन है जिसके अंदर क्या है, एसीटेट और प्रोप्योनेट दो कंपोनेंट सिचुएटेड रहते हैं, दूसरा क्या है, कोप्रो पोरफाइरिन जिसके अंदर मेलेट और क्या है, मिथाइल और क्या है, प्रोप्योनेट कंपोनेंट सब सिचुएटेड रहते हैं, और लास्ट में क्या है, प्रोटो पोरफाइरिन जिसके अंदर मिथाइल, विनाइल एंड प्रोप्योनेट तीनों जो कंपोनेंट है सब सिचुएटेड रहते हैं उसके अंदर। फिर क्या है इनकी स्ट्रक्चर, इनके अंदर कंपाउंड कौन से ये कैसे सब सिचुएटेड है, तो देखिए सबसे पहले किसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरो पोरफाइरिन और कोप्रो पोरफाइरिन। तो पहली जो स्ट्रक्चर है वो किसकी, यूरो पोरफाइरिनोजन फर्स्ट की,
जिसके अंदर आप देख रहे हो एक दो तीन और चार, चार तो क्या है पायरोल रिंग, और ये जुड़ी हुई किससे, मिथाइलिन ब्रिज से। अगर पायरोल रिंग के अंदर आप देखोगे क्या क्या सब्स्टिट्यूएटेड है पोरफायरिन में, तो इसमें आप यूरोपोरफायरिनोजन में फर्स्ट में देखोगे कि सबसे पहले तो एसीटेट है फर्स्ट के अंदर, फिर प्रोप्योनेट है, फिर एसीटेट है, फिर प्रोप्योनेट है, फिर क्या है एसीटेट प्रोप्योनेट और क्या है लास्ट में एसीटेट और प्रोप्योनेट। ये चारों इस कॉम्बिनेशन में क्या है यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूएटेड है उसके कोनों के ऊपर एज के ऊपर। यूरोपोरफायरिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोप्रोपोरफायरिनोजन में, जिसमें आपने देखा था दो कंपाउंड है कौन से मिथाइलिन और प्रोप्योनेट। तो फर्स्ट में देखिए सबसे पहले ऊपर मिथाइलिन है, फिर प्रोप्योनेट है, फिर सेकंड के अंदर मिथाइलिन है प्रोप्योनेट है, थर्ड के अंदर भी मिथाइलिन है और प्रोप्योनेट है, फोर्थ के अंदर भी मिथाइलिन है और प्रोप्योनेट है, ये क्या है सिक्वेंस से लगे हुए हैं। तीसरा कंपाउंड देखिए आप यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड, जिसके अंदर क्या है सबसे पहले तो एसीटेट है, फिर प्रोप्योनेट है, फिर क्या है एसीटेट प्रोप्योनेट एसीटेट प्रोप्योनेट, लेकिन यहां पे आके सीक्वेंस क्या हो गया फोर्थ के अंदर सीक्वेंस क्या हो गया चेंज हो गया, यानी थर्ड के अंदर यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड के अंदर यहाँ पे क्या है प्रोप्योनेट आ गया वापिस और एसीटेट क्या हो गया ऊपर चला गया। फिर क्या है यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड में, जिसके अंदर क्या है कि मिथाइल किसमें मिथाइल है प्रोप्योनेट है फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर भी मिथाइल और प्रोप्योनेट है, थर्ड के अंदर भी क्या है मिथाइल और प्रोप्योनेट, लेकिन फोर्थ के अंदर क्या है पहले कौन आ गया प्रोप्योनेट और ऊपर कौन चल गया मिथाइल। मतलब फर्स्ट और जो फर्स्ट है जो यूरोपोरफायरिनोजन और कोप्रोपोरफायरिनोजन उनके अंदर तो जो क्या है सब्स्टिट्यूटेड या साइड चेन है वो क्या है सिक्वेंस से रहती है, और यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड और कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड है उनके अंदर क्या है फोर्थ के अंदर आके सिक्वेंस क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है प्रोटोपोरफायरिनोजन, तो प्रोटोपोरफायरिनोजन की सिक्वेंस देखिए साइड के अंदर तो सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके अंदर क्या है सबसे पहले ऊपर क्या है ऊपर है फर्स्ट पायरोल रिंग जिसमें क्या है मिथाइल और क्या है विनाइल, और सेकंड क्या है मिथाइल और विनाइल, थर्ड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है मिथाइल और प्रोप्योनेट, और फोर्थ के अंदर भी क्या है मिथाइल और प्रोप्योनेट। तो आपने प्रोटोपोरफायरिनोजन में तीन चीजें लिखी थी कि मिथाइल विनाइल और प्रोप्योनेट तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है प्रोटोपोरफायरिन बनाती है, और ये सारी चीजें यूरोपोरफायरिनोजन कोप्रोपोरफायरिनोजन प्रोटोपोरफायरिनोजन तीनों की तीनों जो इसकी स्ट्रक्चर है पोरफायरिन के टाइप है वो सारे के सारे किसमें काम आएंगे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर, यानी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है बनना है उसके अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर अपने काम में आएंगी। तो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर है वो किसके अंदर है किसके ऊपर है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के ऊपर की, यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बनने के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कौन से कंपाउंड आते हैं कौन सी स्टेजेस आती है कौन से एंजाइम काम में आते हैं और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कौन सी जगह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कितना होता है साइटोप्लाज्म में कितना होता है वो सारी चीजें किसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल।